संसद मार्ग पर इतना सैलाब है, आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर यहाँ आए हुए हैं। हम इनसे पूछते हैं कि इनकी क्या समस्या है। मैडम आपका नाम? कैलाश बेन एम चौधरी, गुजरात से हूँ मैं। हमारे गुजरात में आंगनवाड़ी वर्करों की आमदनी बहुत कम है, सैलरी बहुत कम है। बहने इतना ज़्यादा काम करते हैं फिर भी सरकार को सोचना चाहिए कि हमको वो सरकारी कर्मचारी जाहिर करे, 15,000 से 18,000 तक हमको सैलरी देनी चाहिए उनको। हमको काम इतना ज़्यादा करवाते हैं वो लोग, हम हॉस्पिटल में भी जाके हम काम करते हैं लेकिन वो हमारा सोचते नहीं है। तो सरकार को हम ये चाहते हैं कि हमको भी ये सुविधा दी जाए, हमको सरकारी गवर्नमेंट घोषित किया जाए। आप क्या काम करती हो कि आपको सरकारी घोषित किया जाए? हम हमारे एरिया में जो किशोरी है, सगर्भा है, धात्री है, छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे हैं, उन सबको सबका ध्यान रखते हैं, वहाँ तक कि उनका जन्म होने तक का और उनकी रसीकरण को, उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाने का जो भी है वो हम सब काम करते हैं। क्या आपने इससे पहले और भी कहीं धरने प्रदर्शन किए थे? क्योंकि इस समय गुजरात से मोदी जी आते हैं और मोदी जी कहते हैं कि सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। हाँ हाँ हम देते हैं बेटी बचाओ, वो तो हमने बहुत ज्यादा किया है, मोदी जी के सामने भी हमने ये प्रदर्शन किया था गुजरात में, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई जवाब दिया नहीं है हमको। वो जब मुख्यमंत्री थे तब भी हमको उनको जब पीएम बन जाऊंगा तो आपको सरकारी कर्मचारी घोषित कर दूंगा, लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं है। आप लोग कितने लोग आए हैं गुजरात से? हम गुजरात से बहुत ज्यादा लोग आए हैं, 200 से ऊपर ज्यादा है। अभी गुजरात के अंदर कुछ दिनों में चुनाव होने जा रहे हैं, तो उस समय जब आपकी बात नहीं मानी जाएगी तो आप क्या करेंगे? हम आगे वो तो दिखाएंगे उनको, अभी चुनाव आ रहा है तो हम भी उनको दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। वो तो अभी सरकारी कर्मचारी नहीं जाहिर करेंगे तो हम भी उनको दिखा देंगे। अभी इन्होंने बोला है कि अगर हमें सरकारी घोषित नहीं करेंगे हम दिखा देंगे, तो आपका नाम? मेरा नाम सुशील पटेल है और गुजरात से हम जीबी में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में ही काम कर रहे हैं। पिछले 10 साल से हम काम कर रहे हैं लेकिन अभी तक हमको जो समान काम समान वेतन मिलना चाहिए वो अभी तक मिला नहीं है। हम बी इलेक्ट्रिकल है, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल है, आईटीआई वाले है, सब एजुकेशन वाले, समान काम समान वेतन, जो जेटको में जो जीबी के परमानेंट कर्मचारी जो काम कर रहे हैं वैसा ही काम हम कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सिक्योरिटी नहीं है और कोई वेतन भी ज़्यादा नहीं मिल रहा है, तो इसकी वजह से हम समान काम समान वेतन के लिए आज लड़ रहे हैं। पटेल जी, एक तरफ कहा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने बोल दिया कि जो काम जितना करेगा उसका उतना पैसा दिया जाएगा, लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार उन सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को नहीं मान रही है। वही जो संविधान को फॉलो नहीं कर रहा है तो होना चाहिए। तो अभी जो चुनाव आ रहे हैं तो चुनाव में इनको पता चल जाएगा, अभी कुछ ही दिनों में चुनाव है। हाँ, वो चुनाव है तो चुनाव में उनको पता चल जाएगा कि कितने वोट मिलेंगे कितने नहीं मिलेंगे, हम सरकार को उखाड़ फेंक देंगे। और पूरी मशीनरी आज पूरी सिस्टम बैठ गई है, पूरी गवर्नमेंट और हाईकोर्ट, जैसे सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश का कोई पूरा नहीं है। जैसे हमारी बात करें इंजीनियरिंग के क्षेत्र के, हम इंजीनियर होने के बावजूद जितने भी हमारे कोटा परसेंटेज होते थे सरकार की, इसमें उदासीनता है। हमारे पूरे जितने भी ग्रेडेशन है उसमें हर ग्रेड इतने बहुत सारी संगीतता पड़ी है कि आज पूरे जैसे लेबर एक्ट है, कंपनी एक्ट है, उसका कोई तरह से पालन नहीं हो रहा है। इसी वजह से पूरा राष्ट्र में समान काम का समान वेतन और पूरे काम के पूरे दाम, हम के राष्ट्र हित के लिए हम अच्छी तरह से काम करने के होते बावजूद भी हमें पूरा वेतन नहीं दिया जा रहा है। इंजीनियर साहब आप अपना नाम बताएं। मैं वीडी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में काम करता हूँ, गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में। द पीरियड ऑफ 22 इयर्स हाउ सर्विड इन गुजरात, there is total disparity, there is no any kind of parity which is being maintained inside the Gujarat as well as in other, because government has given the directives to promotion quota but they are not filling the quota accordingly. I have fought the case in tribunal and high court but there is no total implementation. That's the reason why we are totally dissatisfied with the machinery. They should have to follow the constitution laws and accordingly they have to give the total protection security, total security to the employees. They are totally dissatisfied with the government, employees do not secured in the whatever government they are, but our the anger must reach to the government and the machinery should work properly. High court implement high court orders and constitution should be followed by all those machinery. That's why.